अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। रोड कंपनी ने काम पूरे किए नहीं और टोल वसूली कर दी प्रारंभ। शिवसेना ने लगाए आरोप, सांकेतिक बोर्ड लगाए नहीं, सड़क पर काम भी अधूरे। शिवसेना जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा ने बताया कि बांगर और पालखंडा के बीच स्थित नेशनल हाईवे की कंपनी द्वारा टोल टैक्स लगाया गया है, अभी रोड पर कार्य बाकी है। यहां तक कि जिन वाहन संचालकों से टोल टैक्स लिया जा रहा है, उन्हें यह तक भी नहीं पता कि इंदौर की ओर जाने वाला मार्ग कौन सा है और देवास जाने के लिए कौन सा मार्ग है, क्योंकि अधूरे कार्य के कारण कई जगह पर सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। और कुछ ऐसी जगह है जहां पर अभी कुछ अधूरे कार्य पड़े हैं। टोल टैक्स से लगे ग्राम बांगर में इंदौर की ओर जाने वाले ब्रिज के पास संकरी रोड बना दी है, जबकि एक साथ टोल टैक्स से निकलने वाली गाड़ियों को काफी जगह चाहिए वाहन निकालने के लिए, लेकिन संकरी सड़क बनाकर कंपनी ने छोड़ दी और वही अधूरी नालियों का निर्माण किया गया है। यहां तक कि ब्रिज के पास पानी की निकासी तक का भी ध्यान नहीं रखा गया, आधी अधूरी रेलिंग लगाई गई। ऐसी परेशानियों के बीच टोल वसूली प्रारंभ कर दिया गया है। शिवसेना जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा ने देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से निवेदन किया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जन समस्या को ध्यान में रखते हुए पहले कार्य पूर्ण कराए जाने चाहिए, उसी के बाद वाहन चालकों से टोल टैक्स लिया जाना चाहिए। आप ये इधर से ब्रिज से रिटर्न क्यों उतर के आ रहे हो भैया? वो ब्रिज का पता नहीं था, हम इंदौर निकलने जाते इधर से, तो हमें जाना है सीओर। तो ये आप सीधा, आपको क्यों पता नहीं चला एकदम आप सीधे जा रहे हो, तो इसको ध्यान रखना था नहीं? कुछ है ही नहीं ऐसा सिस्टम। अच्छा, यार टोल टैक्स तो चालू हो गया, तो आपसे चालू हो गया, ऐसा है ही नहीं यहाँ पे कि इंदौर जाना है कि देवास जाना है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं लिखा यहाँ पे ऐसा लिखा होता तो। ये भैया ये सीधा यहाँ से आप सीधा जाओगे ना, तो ये सीधा आपको यहाँ से देवास के लिए निकलना होगा, ये वाला निकलना है। बिल्कुल, आप आराम से जाइए, अब आगे से ध्यान रखना भैया। ऐसे बहुत सारी जगह पे अभी इन्होंने सांकेतिक बोर्ड लगाए नहीं है, लेकिन आप अपने ध्यान से सुविधा के अनुसार जाना। ये वाला जो रास्ता है, ये सिंगल रास्ता बनाया गया है, जबकि ये मेन रोड का टू लेन का रास्ता होना चाहिए था। यहाँ से एक साथ में जब टोल टैक्स से गाड़ियाँ छूटेगी तो वो कैसे निकलेगी? और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये मेन रास्ता है और यहाँ निकासी की जगह ही नहीं है, और उसी के पास में आधी नालियों को तैयार किया गया। अब आधी नालियों को ऐसा किया गया जिसमें केवल ये देखिए, एक साथ जब ये गाड़ी आ रही तो किस कंडीशन में, और यहाँ इसमें लगी हुई एकदम, इनको ब्रेक लगा के रोकना पड़ रही है। बहुत बुरी स्थिति में ये बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पर, और ये पास में आप देखो अधूरी नाली छोड़ दी, या लोगों की खंती में उतरने के लिए नालियाँ छोड़ दी, आगे आधी रेलिंग लगाई है। क्या इस प्रकार के बोर्ड लगाना, इस प्रकार की चीज़ें करना, ये दर्शाता है एक लापरवाही कंपनी की। आप देख रहे हैं, अभी सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी एक बांगर स्थित जो हाईवे, नेशनल हाईवे का एक टोल टैक्स चालू किया गया, दो दिन हो गए इसको टोल टैक्स चालू किए हुए, लेकिन इस टोल टैक्स के जस्ट पास में लगे जो इंदौर की ओर जाने वाला जो ब्रिज है, इंदौर की ओर ब्रिज बनाया गया है यहाँ से काशी के लिए, लेकिन यहाँ बोर्ड नहीं लगाया गया इंदौर किधर की साइड में है, देवास जाना है तो किधर की साइड में, लोग परेशान हो रहे हैं। और आज और कल दो दिन से इन्होंने अपने टोल टैक्स की वसूली प्रारंभ कर दी। मेरा ये मानना है कि जब इस जगह पर टोल टैक्स आप वसूल रहे तो लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि उन्हें जाना है तो उसका स्थान का चिन्हित कहाँ है। इस प्रकार की लापरवाही करके आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप उनसे जिस प्रकार से पैसे वसूल रहे हो ये गलत है, क्योंकि आपके पास व्यवस्था आपने दी नहीं, इससे पहले आप टोल टैक्स वसूल रहे, वो लोग अभी परेशान होकर के वापस से रिटर्न उतर के आ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो देवास के अंदर प्रवेश करेंगे, जबकि ये रास्ता जा रहा है सीधा इंदौर की ओर। इस प्रकार की लापरवाही को मैं नेशनल हाईवे की लापरवाही मानूंगा और ठेकेदार की लापरवाही मानूंगा, और मैं इस संबंध में कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं, इसको संज्ञान ले और इस विषय को तत्काल टोल टैक्स की जो वसूली हो रही है इसे रोका जाए और कार्य को पहले दुरुस्त किया जाए, उसके बाद ही वसूली चालू की जाए। सुनील वर्मा, शिवसेना जिलाध्यक्ष।